क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

आज हमारा एक्सक्लूसिव फोकस रहेगा कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो बड़ी सिंपल सिंपलिना की जुड़ा नाइनटी सेवन परसेंट तक ऑक्सीजन ने कैरी कर लिया 3 प्लाज्मा करूंगा बेटा और उसके आपको आंसर करना है आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप जो है वो लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हैं आप लाइव क्लास लिया कीजिए देखो बेटा ऐसा होता है कि हमारे लिए बहुत आसान सिस्टम है कि अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं एक दिन पहले के तो 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 मैं यही क्लास क्लास में में जो 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 है है दिन पहले जो क्लास हम हम रिकॉर्ड करते हैं इसको सेम डे आपको लाइव ले ले ले, तो उसमें दो दिक्कतें होंगी एक तो, जो बच्चा इंटीरियर उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम उसको होगा हालांकि बाद में लेक्चर के बाद टीचर का इंटरेक्शन नहीं है जो का का डिस्ट्रक्शन जो होता ना इस चैट बॉक्स से वो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है इसलिए मैं लाइव क्लास फिलहाल नहीं लेता हूं पर लाइव के लिए हम कुछ और उपाय सोचेंगे यहां पे हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें अभी हमारी प्रायोरिटी है कोर्स को पूरा करना समय पर ठीक है इसीलिए जो है आपके सजेशन को मैं बकायदा तह दिल से स्वीकार करता हूं लेकिन मैं वही कहूंगा बेटा कि मैं इतना समझ लो आप कि आपका गुरु होने के नाते जो मैं कर रहा हूं वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहा हूं मैं आपको कहां पे नहीं डेविएट होना है कहां पे डिस्टर्ब नहीं होना है ये रोकना भी मेरा ही काम है इसलिए यकीन मानिए कि आप किसी भी लाइव क्लास से हमारा जो क्लास है जो शेड्यूल्ड क्लास है वो एक भी परसेंट कहीं से कम नहीं है इसलिए सिर्फ इतनी सी बात है कि आप हेलो निशा कैसी हो तुम फिर से आ गई हो हाँ मैं यहाँ हूँ ठीक है मैं वहां हूँ अरे तू क्या कर रहा था कल ठीक है वो सब फिर वो स्माइली फिर दो चार लोग आएंगे जो बोलेंगे फला बेस्ट दिखा बेस्ट उसकी क्लास चल रही है तो ऐसे तो भैया ऐसे डिस्टरबेंस जो है हमको अनोइंग लगते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे बच्चों का फोकस बिगाड़ेंगे क्योंकि तो कमांडोस जो है वो अपने फोकस से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं इसलिए बेटा यकीन मानिए फोड़, तो फोड़ चलिए तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास में है ना तो अभी कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं ठीक है ठीके? छोटे मोटे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको देना है तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है बेटा कि आपको बताना है कि टेबल जो है वो और देखना नहीं पलट के कोई पलट बताना है, है, है? ए भरना है आपको एलवी में, में कितना होता है बी भरना है आपको ऑक्सीजन बेड में कितना होता है सी भरना है आपको उठ टिश्यू के अंदर सी का कितना होता है बेटा डी भरना है आपको उठ के पार्शल प्रेशर की बात कर रहा हूं उठ ब्लड ब्लड में का पार्शियल प्रेशर कितना होता है ये बताना है आपको ठीक है एलोराइ में कितना होता है ये बताना है आपको यहां ठीक के और जो है एटमोसफेयर एयर में कितना होता है तो जो खाली स्थान मैंने दे रखे वो भरना जरूर एबीसीडीएफ ठीक है ठीक है एबीसीडीएफ जी ये आपको भरना है बेटा ठीक है ना क्लियर सबके सब बच्चे करेंगे कमेंट इस पर समझ गए चाहे चाहे वो वो एप्लीकेशन में हो चाहे वो पे हो पे हमको आंसर चाहिए बेटा ठीक है क्लियर भूलना नहीं है भूलना मना है ठीक है है ना चलिए अब आपके सामने जो है वो एक दूसरा इमेज है आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताना है कि इस इमेज में आप बताएंगे कि स्ट्रक्चर फर्स्ट क्या है स्ट्रक्चर सेकंड क्या है स्ट्रक्चर थर्ड क्या है स्ट्रक्चर Four क्या है और स्ट्रक्चर फाइव क्या है One, two, three, four, five, कौन से स्ट्रक्चर हैं आपको पहचानना है किस तरह के स्ट्रक्चर है क्योंकि तो तो इतना भर बताना है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या चीज है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव चीजें क्या है ये आपको बतलाना है? कौन से स्ट्रक्चर है ये आपको बतलाना है मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं बेटा आपसे ताकि आपके डायग्रामेटिक क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में ह्यूमन में उस पर आपकी कमांड बन सके क्या पूछ सकता है ठीक है ना क्लियर अगेन क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर थ्री आपको बताना है कि ए स्ट्रक्चर वन क्या है और स्ट्रक्चर टू क्या है वन और टू को पहचानिए और बिल्कुल सही लेवलिंग करना है जैसी एनसीआरटी में रखिए वैसी ही लेवलिंग करना है आपको क्लियर ठीक है चलिए आगे बढ़े हम अब आपके सामने मैंने यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है और मेरे सबसे अच्छे सच्चे मेहनती कमांडो बताएंगे इस ग्राफ का नाम क्या है बड़ा आसान क्वेश्चन एकदम लड्डू जैसा क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको बताना है कि ये को graph. इस graph को क्या बोलते हैं किस चीज को दी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बतलाना है बेटा ठीक है ना है ना क्लियर नेम ग्राफ, ग्राफ टाइप क्या है हाइपर बोला है किस तरह का ग्राफ के, में कुछ ठीक है चलो अब देखो बेटा हमने पिछली उत्तर तो मिल गया लेकिन आपको उत्तर कर देना था उसके पहले समझ गए ना आप बोलेंगे दो सेकंड का वक्त नहीं दिया उत्तर करने के लिए कोई बात नहीं ठीक है आपके सामने स्क्रीन पर है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जिसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं ठीक है ना और हमने देखा था कि ये राइट और लेफ्ट शिफ्ट करने की पोजिशन बातें हमने कहा था कि याद रखना बेटा ये बड़े कॉमन एमसीक्यू हैं है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो किस कंडीशन में राइट शिफ्ट करेगा कब वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा याद रखना के जैसे मैंने आपसे कहा जब कभी, जब कभी कभी CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा जनरली कहां होता है ये टिश्यूज के आसपास होता है जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर जो है टिश्यू मेटाबॉलिज्म करते हैं सीओ बन जाती है यहां पेट के है ना तो क्या होता है कि सीओ का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा

जब पीएच जो है वो एसिडिक ना होगा हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा जब तब ठीक है टेम्परेचर कम रहेगा और जब टू थ्री तो कर्व लेफ्ट को शिफ्ट करेगा याद रखिएगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तुलना में नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तुलना में फिटल हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन डिसोशन कर्व होता है वो लेफ्ट की ओर होता है ठीक है लेफ्ट की होता है समझ गए ना बात के तो क्या कहा मैंने आपसे ये जो है वो ये हम बात कर रहे कर्म कब कर, 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 लेफ्ट शिफ्ट होगा कर्म कब कर, जो है वो राइट शिफ्ट होगा क्लियर ठीक है ना आप फिटल हीमोग्लोबिन को अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन है क्यों ऐसा है सर अरे फिटल हीमोग्लोबिन को मदर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलवाना है ठीक है और उसको ऑक्सीजन लेके टिश्यू तक पहुंचना है तो वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो ऑक्सीजन के कम प्रेशर कम पार्शियल प्रेशर में भी ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ सके वो निकाल सके वो ठीक है इसलिए फिटल हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को लेकर टिश्यू तक पहुंचा लेता है इसलिए कर्व उसका लेफ्ट होता है लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है राइट शिफ्ट होने का मतलब है ऑक्सीजन निकल रहा है ठीक है याद रखना सिर्फ जितना राइट शिफ्ट हो रहा है है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा वो कंडीशन पहुंचेगा और जब वो जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है मतलब हीमोग्लोबिन मोर ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है वो क्लियर ठीक है फिर बोहर इफेक्ट की बात की थी मैंने कहा था कि CO2 का इफेक्ट जो है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पर क्या होता है वो बोहर इफेक्ट है तो बोहर इफेक्ट के बारे में एक बात याद रखना बेटा बिल्कुल मत भूलना एक बात ठीक है अच्छे से याद रखना बोहर इफेक्ट कहता है कि CO2 की प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है यानी CO2 की प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है वो कहता है जाओ यहां से ठीक है

ये भी समझ गए हम अच्छे से अब बात करते हैं यहां पर कि CO2 आती कहां से अब देखो बेटा सिंपल सी बात है ना अभी हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन तो कहां से आया मालूम है एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन को लिया गया कोई डाउट इसमें कोई डाउट इसमें इसमें कोई डाउट नहीं कि वायुमंडली ऑक्स जो एयर था एटमॉस्फेरिक एयर था उससे ऑक्सीजन को लिया गया है ना बेटा ठीक है ये तो हम समझ गए अच्छे से बात को अब CO2 कहां से आया अरे भाई जिस ऑक्सीजन को आपने लिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल आपने कहा किया सेलुलर रेस्पिरेशन में किया आपने कोशिकीय के शोषण में किया सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस फिर होता है क्रैब साइकिल फिर होता है क्या बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है ऑक्सीजन ये सब कहा पढ़ा है हमने अरे भाई जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया तो सब पढ़ाया मैंने अब ये मत बोलना सर पिछले जन्म की बात थी वो तो भूल गया सब कुछ याद रही अब कुछ ठीक है तो ऐसा नहीं करना भाई ठीक है याद रखना है तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि हम इतना जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर और जो कार्बोहाइड्रेट है वो सीओ टू एच टू और एनर्जी रिलीज करेगा सीओ टू बनेगा एच टू बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी से एटीपी बनेगा उसका सेल इस्तेमाल करेगी तो मतलब यह हुआ कि वॉटर सुनिएगा बात को कोशिकी शोषण में सेलुलर रेस्पिरेशन में जो वाटर बनता है उसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाता है उसको यूज कर लेता है सेल के लेकिन सीयू टू तो टॉक्सिक चीज है सीओ टू बनती है और सीयू टू बनने के बाद वाटर से रिएक्ट करती है कार्बोनिक एसिड को बनाती है कार्बोनिक एसिड पीएच को डाउन करता है तो प्रॉब्लम 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 क्योंकि सेल के अंदर पीएच गड़बड़ा जाएगा

फोल्ड पर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है और जो है ये माइटोकोड्रा जो है वो वास्तव में जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है वो माइटोकोड्रा के अंदर होता है तो देखा हमने कि सी निकल रहा है यहां पर ठीक है ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लूकोज का जो है वो पायरुक एसिड को ले लिया जा रहा है ग्लूकोज पायरुक एसिड में कन्वर्ट हुआ कहां पे ग्लाइकोलोसिस से फिर पायरुक एसिड माइटोकोड्रा में एंटर किया गेटवे रिएक्शन हुआ बेटा पढ़ा है ना हमने एस्टेल को बनेगा क्रैप साइकिल होगा यह सब पढ़ा हुआ है हमने ये मत बोलना कि बताया नहीं मैंने ये सब मैंने बताया हुआ है सेल में तो हमने क्या देखा है जो है वो सियोटू अब हमारा पर्पज ये है कि सियोटू आई कहां से ठीक है ये तो बताओ कि तुम हो कौन पूछ लिया हमने CO2 से कि तुमने कहा भैया हम अंदर से ही बन के आए बाहर से कहीं से नहीं हटके तो CO2 जो है वो ऐसे बाहर निकल हटके जितना ऑक्सीजन लिया उतना ही CO2 बाहर निकल गया यहां पेट के क्लियर चलिए तो CO2 का सोर्स मालूम चला हमें अब बात इतनी सी है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाई सेल में फलस्वरूप प्रोड्यूस होती है माइट्रोकोड प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द रेट ऑफ मेटाबोलिज एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मेटाबोलि आप देखिए सिंपल से कितना सीओ टू रिलीज होगा ठीक है जो भी अमाउंट है सीओ का कितना सीओ रिलीज होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेटाबोलि का रेट क्या है ना देखिए किस बात पर निर्भर करता है कि वॉट इज रेट ऑफ उपापचय की दर क्या है ठीक है किस प्रकार का मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपका जो रेस्पिरेटरी सबस्टेट है जो जो भी मटेरियल जो भी मटेरियल कोशिकी शोषण में इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं हम उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्टेट कहते हैं तो रेस्पिरेटरी सबसे वो पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल सेल कोशिकी शोषण में करती है फेवरेबल मेटेरियल होता है कार्बोहाइड्रेट जब अवेलेबल नहीं होगा तो फैट जब फैट भी अवेलेबल नहीं होगा तो फिर प्रोटीन आखिर में इस्तेमाल होता है ठीक है क्लियर देखिए दबाउट टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड ट्वेंटी एम एल पर मिनिट ये अमाउंट याद रखना बेटा ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी एक नॉर्मल डाइट हम लेते हैं एक नॉर्मल डाइट हम लेते हैं ठीक है नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं नॉर्मल हमारी फिजिकल एक्टिविटी रहती है नॉर्मल नॉर्मल डाइट एक्टिविटी में आपकी जो आपकी जो जो बॉडी होती है वो तकरीबन हम कहते हैं कि वो 200 से 220 एल पर मिनट जो है वो सीओ को वो रिलीज करती है ठीक है दिस यूटिलाइज 80 परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम गिविंग दी रेस्परेटरी क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ठीक है ना मतलब जितना ऑक्सीजन है उसमें से ये क्या करती है बेटा 80 परसेंट ऑक्सीजन को इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन में यहां पर और हम क्या बोलते हैं कि उस 80 परसेंट ऑक्सीजन से जो है वो आप का यूज करके जो है वो क्या होता है सी टू बाहर निकलता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना आता है पॉइंट एट आता है अब आप बोलोगेटरी क्वाशन का मतलब क्या होता है देखो समझते हैं इस बात को हम ठीक है देखो बेटा जब हम कहते हैं एक वर्ड यूज करते हैं रेस्पारेटरी क्वेश्चन ठीक है शोषण गुणांक ठीक है वेस्परेटरी कॉशेंट शोषणी गुणांक बोलते हैं तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सीओ टू इवॉल्व ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ ओ टू रिलीज हमने कहा ये कितना रिलीज हुआ टेकन कितना लिया गया ठीक है जितना ऑक्सीजन लिया गया उसकी तुलना में कितना रिलीज हुआ ये ये कितनाटरी क्वाशन को बताता है ठीक है याद रखिएगा ये क्या डिपेंड करता है रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन कंज्यूमशन कितना है ना ये क्या है बेटा ये फॉर्मूला लिख लेना यह काम आएगा जब सिल्वर पड़ेगा तब भी बताऊंगा आपको मैं जब हम बाट, जो बॉटनी वाला हिस्सा पढ़ेंगे ना प्लांट प्लांट फिजियोलॉजी वहां पर भी होता है कितना, कितना मान लो मैंने क्या कहा आपसे मैंने कहा कि हमने ध्यान से बात सुन के हमने दस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए और आठ सीओ टू के मॉलिक्यूल बाहर निकले तो आरक्यू वैल्यू कितना आएगा पॉइंट एट आएगा आएगा या नहीं आएगा कितना आएगा पॉइंट एट आएगा यदि हमने 10 मॉलिक्यूल CO2 के के बाहर निकले 10 ही ऑक्सीजन के लिए हमने तो RQ वैल्यू कितना आएगा वन आएगा यदि वैल्यू एक से कम आ रहा है इसका मतलब यह है कि 100 परसेंट ऑक्सीजन जो भी ऑक्सीजन को ले जा रहा है वो तो पूरी की पूरी शोषण में इस्तेमाल नहीं हो रही है कुछ ऑक्सीजन जो है वो किसी दूसरे केमिकल प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर रही है सिंपल सी बात है देखो याद कार्बोहाइड्रेट के लिए यदि हम यहां पर बोले तो कार्बोहाइड्रेट के है? लिए कार्बोहाइड्रेट तो का आरक्यू वैल्यू वन होता है मतलब जितना ऑक्सीजन लोगे उतना पूरा ऑक्सीजन जो है सी टू को प्रोड्यूस करने में काम आ जाएगा मतलब जितना वॉल्यूम सी टू का बाहर निकलेगा उतना ही ऑक्सीजन लिया जाएगा तो आरक्यू वैल्यू वन आता है कार्बोहाइड्रेट का लेकिन यदि वो फैट होगा तो आरक्यू वैल्यू एक से कम आएगा प्रोटीन होगा एक से कम आएगा क्यों एक से कम आएगा क्योंकि फैट में चूंकि फैट मॉलिक्यूल में क्या होता है कार्बन अधिक होते हैं ऑक्सीजन कम होती है ठीक है तो दे नीड मोर ऑक्सीजन दे नीड मोर ऑक्सीजन तो इसलिए क्या होता है कि जितना ऑक्सीजन लेता है उसमें कुछ ऑक्सीजन जो है उसके फैट के उस लेस जो ऑक्सीजन डेट प्रेजेंट है जो फैट के अंदर कम ऑक्सीजन है उसको पूरा करने में काम आता है ठीक है कुछ रेस्पिरेशन में काम आता है तो उसका मतलब हिस्सा बढ़ जाता है

आपने क्या लिया आपने गेहूं का चपाती लिया आपने रोटी लिया गेहूं का आपने दाल लिया आपने दाल में प्रोटीन लिया आपने कार्बोहाइड्रेट लिया रोटी में आपने कार्बोहाइड्रेट लिया आपने ग्लूटेन प्रोटीन लिया आपने फिर रोटी में घी लगा हुआ था तो फैट भी लिया आपने दाल के अंदर जो है तेल दला हुआ था तेल से इसको फ्राई किया गया था तो वो ऑयल उसके अंदर प्रेजेंट था मतलब आपने मिक्स डाइट खाया जाहिर सी बात है मिक्स डाइट में कुछ फैट है कुछ प्रोटीन है तो आरकी वोलियो एक तो आएगा नहीं एक कब आएगा जब आप केवल और केवल केवल और केवल आप जो है सिर्फ कार्ब खाएंगे तो आरकी वोलियो वन आएगा क्लियर ध्यान रखिएगा चीज ना

जब सीओ टू के ट्रांसपोर्टेशन की बात की हमने तो हमने क्या बोला हमने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि सीओ टू के ट्रांसपोर्टेशन में हमने कहा कि सेवन टी परसेंट सीओ टू क्या कहा था सत्तर परसेंट सीओटू जो है ट्रांसपोर्ट होती है बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में याद है किस फॉर्म में होती है बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है ठीक है एंड रेस्ट ऑफ दियोटू जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ और प्लाज्मा में घुलकर आती है ठीक है तो इतनी सी बात है बेटा कि इसका मतलब यह हुआ कि यह बाई कार्बोनेट इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या बोल रहे हैं हम कह रहे हैं कि तकरीबन सेवनटी परसेंट सीओ टू जो है फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स अब ये बाई कार्बोनेट्स आए कहां से कैसे बने क्या हुआ तो इसको ही हम समझेंगे सीओ टू के ट्रांसपोर्टेशन में अभी बिल्कुल सिंपल सा देखिए सिंपल सा बेटा एक चीज समझने की कोशिश करना कि एक तो एक तो क्या है एक तो सीओ टू क्या है एक तो सीओ टू क्या हो गई प्लाज्मा में घुल गई ठीक है सीओ टू का दिपन हुआ प्लाज्मा में घुल गई वो टू तो क्या है प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट के और कुछ CO2 क्या हो, जो सीओ टू क्या हुआ वो वो आरबीसी के अंदर गया सुनिए बात करें जो भी जो भी टिश्यू होंगे वे टिश्यू अपनी सीओटू को प्लाज्मा में डालेंगे और प्लाज्मा से सी टू कहा इंटर करेगी वो आरबीसी में एंटर करेगी सी टूट अब आरबीसी में CO2 जो कुछ कुछ CO2 जो है वो प्लाज्मा में घुली रह जाएगी जो सीधी एलबलाई में जाके बाहर निकल जाएगी लेकिन मेजर फ्रैक्शन बड़ा हिस्सा जो है वो आरबीसी के अंदर जाएगा और आरबीसी में जाने पर क्या होगा इस सीओटू पर ध्यान से सुनना बेटा एकदम अटेंटिव होकर सुनना के जो CO2 RBC के अंदर की उस पर वो वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया करेगी और यहां पर दुनिया का सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो काम कर रहा होगा कौन काम कर रहा होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां पर काम कर रहा होगा फास्ट काम करने वाला एंजाइम है से ठीक है कार्बोनिक एनहाइड्रस यहां पर काम कर कार्बोनिक एनहाइड्रस जो है ये क्या करेगा ये CO2 H2O को जोड़ने पे क्या बनाएगा कार्बोनिक एसिड को बनाएगा ये दोनों दिशाओं में काम करता है कार्बोनिक एसिड को बनाता भी है कार्बोनिक एसिड बोले तो H2CO3 और उसको डिसोसिएट भी करता है क्या हुआ कार्बोनिक एसिड बना यहां पे बना के ठीक है रिसिस्टेंट नहीं इसको वापस से CO2 H2O में तोड़ सकता है डिसोशिएट वर्ड मैंने गलत यूज किया कि कोई भी एसिड बनेगा तो वो अपने प्लस और माइनस आयन में डिसोशिएट हो सकता है बेटा हाइड्रोजन एसिड वो देखो केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन है एसिड वो जो हाइड्रोजन आयन दे बेस वो जो हाइड्रोक्सिल आयन तो H2, CO, H2, CO2 के मिलने पे क्या बना? H2, CO3 बना के। मतलब CO2 और H2O वाटर और और कार्ब, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने पर जो है कार्बोनिक एसिड बना बनने के बाद कार्बोनिक एसिड जो है वो किसमें डिसोसिएट हुआ बेटा वो डिसोसिएट हुआ किसमें हाइड्रोजन आयन में डिसोसडा किसमें हाइड्रोजन आयन में अब कार्बनिक एनहाइड्रेस की एक बात याद रखना सुनिए ध्यान से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक बात याद ध्यान रखना कि ये कोई भी जो होता है वो दोनों दिशाओं में काम करता है एंजाइम कभी भी बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते एंजाइम एंजाइम जो है वो केवल केवल रेट रेट ऑफ़ ऑफ़ रिएक्शन रिएक्शन को बढ़ाते हैं दे डू नॉट डिस्टर्ब बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम तो CO2 और H2O के मिलने पर कार्बोनिक एसिड का बनना और कार्बोनिक एसिड के टूटने पर CO2 H2O का दोबारा से बन जाना ये दोनों दिशाओं में रिएक्शन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये दिमाग में रखना ठीक है अभी क्या किया इसने जब जो है प्लाज्मा जब टिश्यू के पास पहुंचा आरबीसी तो वहां पर प्लाज्मा से सी टू इसके अंदर आया कार्बोनिक एनहाइड्रोज ने फास्ट फास्ट तेजी तेजी से काम किया और उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट किया कार्बोनिक एनहाइड्रोज ने सीओ टू को एच टू से जोड़ा और कार्बोनिक एसिड बना एच टू सीओ थ्री बना जो डिसोसिएट हुआ क्या बन गया यह बन गया हाइड्रोजन आयन बन गया डिसोसिएट हुआ बेटा तो क्या बन गया ये यहां पर यह बन गया आपका हाइड्रोजन आयन बन गया यह हाइड्रोजन आयन बन गया और ये बाई कार्बोनेट आयन बन गया बन गया ठीक है H प्लस एच सी थ्री नेगेटिव बन गया बेटा ठीक है अब यही तो वो बाई कार्बोनेट है इसको बाहर निकालने का है थीके? यही तो वो बाइकार्बोनेट है जिसके फॉर्म में सीओ टू ट्रेवल करती है ठीक है क्या किया अब बाई कार्बोनेट को बना तो कहीं ऐसा ना हो सुनना बात कहीं ऐसा ना हो कि ये बाइ कार्बोनेट दोबारा हाइड्रोजन आयन से जुड़े वापस से एच टू एच टू और सीओ टू बन जाए तो झट से आरबीसी ने एक होशियारी दिखाई आरबीसी ने एक होशियारी दिखाई कि जैसे ही हाइड्रोजन जैसे ही जैसे ही कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में बाइकार्बोनेट आयन को जो है तुरंत बाहर धक्का बार बाहर कर दिया उसको बाहर आ गया ये डिफ्यूज कर दिया बाहर और यहां पे सिस्टम क्या काम किया यहां पर एक यहां पर एंटीपोर्ट सिस्टम काम करता है आयन चैनल जो काम करता है

तो प्रोटीन चैनल तो चाहिए तो पर एंटीपोर्ट सिस्टम काम करता है कि एक आयन अंदर से बाहर निकला तो एक बाहर से अंदर आएगा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस रखने के लिए तो एक बाइकार्बनेट आयन जो है वो आरबीसी से बाहर निकल के प्लाज्मा में गया और प्लाज्मा से एक क्लोराइड आयन अंदर आ गया क्या हुआ बाहर से एक क्लोराइड आयन अंदर आ गया देखो प्लाज्मा का क्लोराइड जो है वो अंदर आ गया इसे क्लोराइड शिफ्ट बोला हमने क्या बोला इसको हमने इसको हमने क्लोराइड शिफ्ट बोला अब लोग इसको पता नहीं भगवान जाने कैसे बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चे बड़े कंफ्यूज आते हैं कि सर क्लोराइड शिफ्ट क्या चीज है, हैंग है? क्लोराइड शिफ्ट क्या चीज अरे भाई कुछ नहीं है अरे एक तुम नेगेटिव को बाहर करोगे तो एक नेगेटिव अंदर लेना पड़ेगा ताकि चार्ज का बैलेंस रहे नहीं तो मेमब्रेन आरबीसी इलेक्ट्रिकली चार्ज आएगी आप ना अंदर से लगातार नेगेटिव बाहर भेजोगे तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा अंदर पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा अरे सोडियम पोटेशियम पंप में ऐसा होता है कि नहीं होता होता है ना यहां पर क्या किया आपने बाई कार्बेट आयन को आपने अंदर से बाहर फेंक दिया और बदले में क्लोराइड को अंदर ले लिया ताकि चार्ज का डिफरेंस ना आए तो ये क्लोराइड शिफ्ट हो गया है अब बाइकार्बोनेट बाहर गया प्लाज्मा में अब वहां सोडियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट पोटेशियम जो भी प्लस आयन थे उनसे जुड़ के बैठ गया कि भैया ठीक है हमको धक्का मार के बाहर निकाल दिया अब हम तो चले जाएंगे घर छोड़ के बाहर हम तो सीधा एलबड़ाई से बाहर निकल जाएंगे वहां तक पहुंचा दो हमको बस ठीक है किसी तरीके से कैसे पहुंचाएंगे चलो उस पर ही बात करते हैं अब क्या हुआ बेटा अब आपने कहा सर ये हाइड्रोजन आयन तो बच गया अंदर एसिडिक पेस्ट तो हो जाएगा ना अंदर क्योंकि बाइकार्बोन तो आपने बाहर कर दिया भाई जो हाइड्रोजन आयन जो जो बना था ना जो बा, जो सुनिए बात को पहले कहानी सुनिए फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे पहले कहानी सुनिए जो कार्बोनिक एसिड बना था बेटा एच टू सीओ थ्री उसमें से बाई वो हुआ था हाइड्रोजन आयन में बाई कार्बोनेट आयन में तो हमने 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 क्या किया बाइकार्बेट आयन को हमने अंदर से बाहर कर दिया क्लोराइड को अंदर ले आए हमके तो आप बोलोगे सर एच सी एल बन जाएगा वो तो तो नहीं बनेगा इसलिए नहीं बनेगा जब आप बाइकार्बोनेट को धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे आरबीसी से तब हाइड्रोजन आयन को हीमोग्लोबिन ने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है बंधु मैं खाली हो गया हूं मेरा ऑक्सीजन ले लिया इन के और निकाल चुका था ऑक्सीजन तो क्या क्या? राइट को हीमोग्लोबिन ने अपना कुछ ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया अब हीमोग्लोबिन खाली है तो खाली सीट पर कोई ना कोई सवारी तो बैठेगी सवारी बैठ गया हाइड्रोजन आयन तो एच एच बी बन गया सुन रहे मतलब जहां ऑक्सीजन था वहां पे हाइड्रोजन आयन आके बैठ गया चलो हम बैठ जाते हैं कोई नहीं है तो चलो ठीक है तो वो जो हाइड्रोजन आयन का प्रॉब्लम था एसिडिक पीछ हो जाएगा वो भी खत्म हो गया हीमोग्लोबिन ले लिए साथ में उसको चलो भाई चलते हैं आप आगे बढ़ते हैं कहां पहुंच गए बढ़ते 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 बढ़ते, बढ़ते आरबीसी कहां कहा ब्लड है वो तो पंप करा ठग से कहां पहुंच गया वो वो एलब्लाई के पास पहुंच गया अब यहां पर तो कंडीशन बदल गई यहां यहां पर तो कंडीशन चेंज हो गई यहां यहां तो तो पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का दिखाई पड़ रहा है वो भी दम के साथ पूरा बाहर एटमॉस्फेयर में वन फिफ्टी नाइन में वन जीरो फोर तगड़ा काम हो गया तो बड़ा भारी पार्सिल प्रेशर ऑक्सीजन का यहां पर सी टू पार्सल प्रेशर में बहुत ही कम है अब क्या करें अब सिंपल सी बात है कि अब जो है हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है देखो पहले क्या एच एस सी बन चुका था ये ठीक है ना बेटा है ना ठीक है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर अब देखो सिंपल से तो ये हो गया अब हम कहानी को यहाँ पे हमें स्टॉप करते हैं कहानी को यहाँ पे हमने रोका भी अभी हमने कहानी को यहाँ पे रोका हमने हम इतना समझ गए कि आगे कंटिन्यू करेंगे चिंता मत कीजिए अब इतना समझ गए हम कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो टिश्यू ने बना के सोलर में जो CO2 बना था, जिसको रिलीज किया था उसका एक मेजर हिस्सा जो है होता है और ये जो है क्या करता है सीओ टू एसटो को के कार्बोनिक एसिड को बनाया बाई कार्बोनेट आयन को बाहर कर दिया हाइड्रोजन आयन को हमने हीमोग्लोबिन से जोड़ दिया बाइकार्बोनेट आयन को बाहर किया तो क्लोराइड को हमने अंदर कर लिया यही हुआ ना चलिए ठीक है अब कुछ चीजों पर हम छोटी छोटी चीजों पर बात करते हैं फिर दोबारा आएंगे हमारी कहानी पर हम दोबारा लौट कर आएंगे बेटा कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजों पर हम बात करते हैं डिस्टर्ब यू इन बिटवीन लेक्चर बट इट्स इंपोर्टेंट टू इन यू You should download Biomentor's app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentor's. Bye-bye. Continue your lecture. You Look, CO2. एक्चुअली यदि हम करते हम बात करते हैं सीओ टू की तो हमने क्या कहा हमने कहा कि बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ के कोशिकाओं के अंदर जो जो उप अपचे प्रक्रिया एक होता है उपचे एनाबॉलिज एक होता है जो कैटाबॉलिजाबोलि प्रोसेस होती है जिसमें मॉलिक्यूल तोड़ते हैं उसमें सीओ टू जनरली बाहर निकलती है ठीक है क्लियर दूसरा पॉइंट बॉडी सेल्स रिलीज

सेवन परसेंट सीओ टू ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन डिजोल्व फॉर्म ये प्लाज्मा के थ्रू सीधा डिजोल्व यही यदि यही मैं आपसे पूछूं चलो ऑक्सीजन कितना होता है बताओ चलो यानी कितना परसेंट ऑक्सीजन ब्लड में सीधा प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है तो आंसर इज थ्री परसेंट ठीक है सीओ टू इज सेवन परसेंट ठीक है सेवेंटी परसेंट सीओ टू

तो उसमें से केवल थ्री परसेंट सी टू को जब वो, वो, वो कैरी करके आता है क्या करता, है? क्या करता है? अरे हाइड्रोजन आयन को, तो को ठीक तो है ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइडस देखिए अब अब पूरी कहानी अब इस कहानी को हम थोड़ा पूरा करते हैं कि इस कहानी को दोनों साइड में क्या होता है तो एक बार बेटा फिर से फिर से एक बार बोर मत होना ठीक है मतलब एक बार फिर से हम देखो बेटा मेरा मानना यह कि तुमने एक बार यदि पढ़ लिया ना क्लास में तो, तो आपको फिर कभी जिंदगी में कोई क्वेश्चन इस पर गलत नहीं होना चाहिए लाइफ में मेडिकल कॉलेज के अंदर फोड़ देंगे वहां पे भी हम है ना चिंता मत कीजिएगा तो अभी हमको पूरा फोकस हमारा रखना है समझने पे पूरा फोकस रखना है पूरा अटेंशन देके बेटा ठीक है ना क्लियर चलिए आगे बात करते हैं इसमें हम हाँ, देखो तो अब रेस्पायरेट रेस्ट जो रेस्पायरिंग टिश्यू है वहां पर क्या होता है चलो देखते हैं रेस्पायरिंग टिश्यू वाली स्थिति में क्या होता है यहां पे मैंने कहा कि सेवन परसेंट मैंने कहा आपसे कि सेवन परसेंट सात परसेंट सेवन परसेंट सीओ टू सीधा प्लाज्मा में डिजोल्व होकर जो है वो पहुंचता है एल्वेडा तक पहुंचता है ठीक है और ये सेवन परसेंट सीओ टू सीधा प्लाज्मा से में पहुंचता है और जैसे पहुंचा सीधा ये बाहर निकल जाता है ठीक है ये तो इसको कोई मतलब ही नहीं ये वो CO2 है जो प्लाज्मा में घुल गया था पानी के प्लाज्मा के वाटर कंटेंट में घुल गया वो अलबिड़े तक पहुंच के वहां से बाहर निकल गया ठीक है ना कोई लफड़े में नहीं पड़ा लेकिन 23%, 23 है लेकिन ट्वेंटी थ्री परसेंट ट्वेंटी थ्री परसेंट सियोटो साहब जो हीमोग्लोबिन से जुड़कर उसने कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाया उसके फॉर्म में बाहर निकल के और हीमोग्लोबिन वाला सिंपल सा है हीमोग्लोबिन का एक ही फंडा है हीमोग्लोबिन की ही जिंदगी का सिर्फ एक ही फंडा है जिधर बम उधर हम ठीक है जो ताकतवर होगा भैया हम उसकी हाम में हाम मिला देंगे हमने देखा कि ये वाली पार्टी जीत रही है तो अपन इस पार्टी के नेता बन जाएंगे छुड़बहे नेता क्या होते हैं छुड़ है, नेता ऐसे होते हैं जो छोटे छुट, पॉलिटिशियन होते हैं ना तो मतलब छुड़ मतलब गली बोलने में पॉलिटिक देखा भैया अभी इस पार्टी का जोर चल रहा है तो उसका झंडा उठा के नारा लगाना शुरू कर दिया फिर कल को वो पार्टी का डाउन जाने लगी दूसरी पार्टी का झंडा उठा लिया के तो वो जी जी हिमोग्लोबिल ना वो भी ऐसी है कि बोलता है चुपचाप रहो एक कहा पता ना कि तेल देखो तेल की धार देखो भाई क्या होने वाला उसको देखो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन के तो ठीक है यह हीमोगल। मेरा के। तो जोड़ो सीओ टू को ले लो आ जाओ भैया तुम, तुम जब एलबे के पास पहुंचे जब एलब्रे के पास पहुंचे तो सीओ को बोल दिया क्या बोल दिया सीओ को हम आपके हैं कौन ठीक है सीओ टू को बोल दिया अब तुमको हम नहीं रखेंगे वी आर जस्ट फ्रेंड्स तो हीमोग्लोबिन बोला ठीक है भैया जो हीमोग्लोबिन ने सीओ टू को बाहर निकाल दिया अपनी जिंदगी से अब ऑक्सीजन को लाके जोड़ लिया उसने मतलब जो डिपेंड कर रहा है पारसे जहां पे देखा कि ऑक्सीजन का पारसे पैसे अधिक है तो वहां उसको जोड़ लिया जहां सीओ टू का अधिक है वहां उसको जोड़ लिया अटके तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ही, जैसे ही जो है जैसे ही एलवाई के पास पहुंचे तो जो कार्ब एमिनो है ठीक ये, है? ये बोला जाओ बाहर ठीक है ठीक है मतलब कुछ नहीं है अब तुम कोई एफिनिटी नहीं है अब अब तो हमको मिल गया कौन ऑक्सीजन के तो सियोटू ने कहा ठीक है हम तुम्हारी जिंदगी से जा रहे हैं हमेशा हमेशा लिए बाहर चला गया बाहर चला गया ठीक है अब ये खाली हो गया खाली हो गया किसके लिए ऑक्सीजन तो कहानी है एक तो लफड़े में जाल में पड़ेंगे ही नहीं हम तो सीधा सीधा जा रहे हैं तो वो वैसे कम होते हैं ऐसे लोग कम होते हैं सेवन परसेंट जो है वो सीओटू ने कहा हम प्लाज्मा में घुलेंगे प्लाज्मा से बाहर निकल जाएंगे ठीक है बात खत्म हो गई हमें पढ़ने नहीं किसी लफड़े में

कुछ लोग लफड़े में पढ़ते ही नहीं है ठीक है कुछ लोग पढ़ते हैं फिर छोड़ देते साथ ठीक है पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो किसी भी इंट्रैक्शन में आते हैं दे गॉट चेंज्ड बदल जाते हैं मेजोरिटी ऑफ लोग वैसे होते हैं बदल जाते हैं बदला बदला व्यवहार करते हैं और ओरिजिनलिटी बचती नहीं उनकी जो ओरिजिनलिटी वो बदल बच हालांकि मूल त, मूल चीज तो वही रहेगी लेकिन वो बदल गए उनका व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है सफलता भी एक बहुत ऐसी चीज है सक्सेस जब लाइफ में मिलती है ना तो आदमी सबसे पहले आदमी को जो है क्या होता है आदमी को इस बात का भ्रम होता है उसको इस बात का अहम होने लगता है कि मैं 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 हूं मैं ही सब कुछ हूं फिर वो ओपिनियन लेना राय लेना लोगों से बात करना वो सब कम कर देता है सक्सेस जो है ना वो अपने साथ ऐसे ही लेके आती आदमी को व्यक्ति को का मूलतंत्र तो वही लेके बदल देगी वो लेकिन जब सामना होता है रियलिटी से जब वो असफलता का कभी सामना करना पड़ता है तो वही लोग काम आते हैं जिन लोगों को आपने छोड़ दिया था वही काम आते हैं इसलिए बेटा मैं एक बात कहता हूं आप सबसे जब आप सफल हो जाएंगे ना बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे बड़ा उद्देश्य पालेंगे ना और विनम्र हो जाना आप और हम्बल हो जाना आप क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि ऐसा करने से यह होगा कि आपकी सफलता चीर स्थायी रहेगी लंबे समय तक बनी रहेगी वो जीवन में कभी अपने आप को बेस्ट बोलना या ना बोलना बोलने की जो होती महसूस करने वाली बात है लेकिन सामने वाले की एक भी क्वालिटी अच्छी हो उसको तारीफ जरूर करना उसकी जीवन में कभी भी बदला लेने के बजाय रहा बदल देना बदला लेने की बजाय राह बदल देना कि चलो ठीक है ये आदमी को ऐसा सकता है हम दूसरी दूसरे तरीके से काम करते हैं क्योंकि बदला कभी एक तरफा नहीं होता है जिससे आप बदला रिवेंज लेते हैं ना तो उस आदमी से भी रिवेंज लेते हैं आप और अपने आप से भी रिवेंज लेते हैं दो तरफा नुकसान करता है वो ये बहुत पुरानी बूढ़ो वाली बातें हैं लोग सुनते नहीं मानते नहीं बात को आप बोलोगे सर आप सच में बुढ़ा गए हो ऐसा लगता है कि आप बहुत ओल्ड एज के एक संत बन गए हो आ, मतलब ऐसी बातें करते हो आप हमसे कि हम तो यंग एनर्जेटिक के लड़ने वाले फाइटर टाइप के मैं कहता हूँ बेटा फाइट करो अपने उद्देश्य के लिए अपने लक्ष्य के लिए अपने अपने गोल के लिए जीवन को अखाड़ा मत बनाइए जीवन को एक तरह फूलों वाला बगीचा होता है जीवन को वैसा बनाइए समझ गए? जीवन वैसा है और बगीचे से आसमान पे देखिए हैं है उन सितारों में कितने सितारों को हम हिट कर सकते हैं यही सफलता का मूल बनता चलो तो अभी नोट क्यों आते हैं कहां पहुंच जाता हूं मैं सड़न लिटके हैं बात करते करते आपसे मुझे ऐसा लगता है कि आप में से पता नहीं मेरा एक इंटरव्यून है मेरे अंदर आपको बता दूँ मैं मेरे अंदर एक मतलब ईश्वर का दिया है कि मैं कुछ इन चीज़ों को का इंटरव्यू मुझे होता है एक इंटरव्यू है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप में से कोई व्यक्ति इतना बड़ा आदमी बनेगा इतना बड़ा आदमी बनेगा कि पूरी दुनिया उसे याद रखेगी ऐसा इंटरव्यू मेरे अंदर है और वो निश्चित तौर पर बायोमेट्रस से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा और वो कहीं ना कहीं कभी ज़िंदगी के किसी किसी जो है मुकाम पर पहुंचकर वो बायोमेंटर्स का या मेरा नाम ज़रूर लेगा कहा है मेरा अर्जुन वो है कहीं है मैं कह रहा हूं आपसे मेरा इंटरव्यून कह रहा है कि कोई है आप में से कोई है और ये सब उसके लिए चल रहा है सब कुछ कोई प, लाइफ इज विथ फुल ऑफ पर्पज के कई चीजें ऐसी होती है जो हो रही होती हैं किसी एक तक पहुंचने के लिए वो एक है कहीं ना कहीं ये मेरा इंटरव्यून कहता है और मैं गलत नहीं हो सकता इस बारे में चलिए अब क्या बोला मैंने आपसे ये तो कहानी है, हम थर्टी परसेंट की कहानी समझ गए कि 7 CO2 तो जो है वो प्लाज्मा में घुला गुल पहुंच गया रिलीज हो गया और ट्वेंटी थ्री परसेंट सीओ टू जो है हीमोग्लोबिन के चक्कर में पड़ा हीमोग्लोबिन ने लिया उसको वहां जाकर छोड़ दिया उसको ठीक है डंप कर दिया में जाकर ठीक है अब कहानी आती है सत्तर परसेंट की सेवनटी परसेंट सियो टू जैसे जैसे ही सेवेंटी परसेंट सीओ टू जो है वो

जब ये पहुंचा कहां पर एलबलाई के पास पहुंचा तो क्या हुआ थाके? जब ये एलबलाई के पास पहुंचा लंग्स में पहुंचा तो क्या हुआ थाके? हुआ ये कि ने सीधा रास्ता पकड़ा बाहर निकल गई ठीक है जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई थी वो भी हीमोग्लोबिन जो है वो उसने देखा ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक है तो उस समय सियोटू को उसने रिलीज किया तो सियोटू का बाहर निकल गया और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ गया ठीक है अब सिंपल सी बात है देखो देखो बेटा जैसे एलवेडाई के पास पहुंचे तो वहां पर पूरा का पूरा पीएच ठीक है जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें आप के की 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 बात करें, की की बात करें करें आप ठीक है ऑक्सीजन तो पूरा कंडीशन जो टिश्यू के पास था उससे अपोजिट कंडीशन के पास है अब क्या होगा यहां पर यहां पर जो है वो फिर से क्लोराइड आयन को अंदर से बाहर किया जाएगा बाई को अंदर लेके आ जाएगा मतलब अगेन दिस टाइम क्लोराइड इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस टाइम द क्लोराइड आयन इज शिफ्टेड फ्रॉम आरबीसी टू दी प्लाज्मा बाहर कर दिया और बदले में बाई कार्बोनेट को अंदर ले आए अब बाइकार्बोनेट अंदर आया ठीक है अंदर आया और और हीमोग्लोबिन ने क्या किया जो हीमोग्लोबिन जो है वो हाइड्रोजन आयन को रखा हुआ था जैसे उसने ऑक्सीजन ऑक्सीजन को को देखा उसने उसने तो को जोड़ दिया उसने और हाइड्रोजन आयन को उसने रिलीज कर दिया तो ये हाइड्रोजन आयन भी आ गया यहां पर आ गया क्या बन गया वाटर और एच टू सी थ्री बन गया एच टू एच टू सी थ्री बन गया कार्बनिक एनहाइड्रेस ने क्या किया उसको फिर से रिवर्सिबल है ना रिएक्शन के तोड़ दिया

सेवेंटी परसेंट सीट जो बाइकार्बोनेट के रूप में थी और उसको जो है प्लाज्मा में डाल दिया गया था वो वापस से लौट के आता है वापस से आरबीसी के अंदर आएगा और अगेन यहां पे क्लोराइड और और बाइकार्बोनेट पंप काम करेगा, काम करेगा करेगा एंटीपोर्ट सिस्टम अब बाइकार्बोनेट आयन को अंदर लिया जाएगा क्लोराइड को बाहर निकाल देंगे बाइकार्बोनेट आयन जो है वो हाइड्रोजन आयन से जुड़ेगा अब ये हाइड्रोजन आयन किसके पास थे हीमोग्लोबिन के पास थे हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को जोड़ा हाइड्रोजन आयन को खाली कर दिया सीट से हटा दिया उसको ठीक है असली सवारी आ गई अब तो हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन से जुड़ा बाइक तो कार्बोनिक एसिड बन गया एनहाइड्रोजन दिशा में काम में कन्वर्ट कर दिया सी टू को बाहर निकाल दिया ठीक है क्लियर चलिए है ना इतनी सी बात है तो अब ये बात समझ गए बेटा बात के, अच्छे से हम समझ गए तो हमें यहां पे याद रखना हमें कुछ बातें एकदम जो है वो अटेंटिव होकर ध्यान रखना है कि कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ थे? तो बाइकर्मेट आयन कहा बना आरबीसी के अंदर बना बनने के बाद क्लोराइड शिफ्ट हुआ बाहर कर दिया उसको हमने प्लाज्मा में बाई था हाइड्रोजन आयन कहाँ गया था हीमोग्लोबिन के पास आ गया था ठीक है ना क्लियर चलिए अब आते हैं एनसीआरटी पे कि आप बात करते हैं कि एनसीआरटी वाले बाबू क्या लिखते हैं इसके बारे में ठीक है सीओ टू इज

क्योंकि टिश्यू के पास थे वहां पर पार्शल प्रेशर सियो टू का अधिक था ठीक है फिर पीओटू इज ए मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग अब इसका मतलब यह कि जैसे ही पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा

पार्शल प्रेशर ऑफ सीओ टू इज हाई एंड पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो जैसा टिश्यू में होता है तो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइसो ऑक्स वृद्धि किससे बात कर रहे हैं विथ हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं हम विथ हीमोग्लोबिन की बात चल रही बेटा है ना ठीक है ना क्लियर जब सीओ टू का पार्सल प्रेशर कम हो ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर अधिक हो जैसा कहा होता है एल्बलाइन होता है तो यहां पर डिसोसिएशन होता है सीओ टू का कार्ब अमीनो हिमोग्लोबिन से और सीओ टू बाहर निकल जाती है और बदले में ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन से जुड़ जाता है क्लियर चलो ये भी समझ में हमको आया ठीक है क्लियर ये भी हमको समझ में आया सीओ टू विच इज बाउंड टू हिमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर्ड एट हीमोग्लोबिन से जो सीट जुड़ी होती है पहुंचने पर क्या होता है ठीक है क्लियर आरबीसी कंटेंस ए वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनजाइड्रेस तो याद रखना होता है आरबीसी केन्द्र होता है प्लाज्मा में नहीं होता आरबीसी में होता है याद रखिएगा एमसी MCQ है टूट देखो बहुत थोड़ी मात्रा में मैंने कहा ना मैक्सिमम मैक्सिमम क्वांटिटी कहां है इसकी आरबीसी के अंदर के, प्लाज्मा में इसकी क्वांटिटी नगड नेग्लिजिबल होती है यहां पर एनसीआरटी में मिनिट क्वांटिटी लिखा मतलब बहुत कम मात्रा बहुत कम मात्रा इसकी प्लाज्मा के अंदर होती है ठीक दिस एंजाइम फैसिलिटेट द रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन इसका मतलब क्या है ये दोनों दिशाओं में रिएक्शन को फैसल करता है मतलब ये CO2, H2, को कार्बनिक एसिड का बनना और कार्बनिक एसिड को तोड़कर सीओ टू तो एच तो टू में कन्वर्ट करना ये भी काम करता है कार्बोनिक एसिड तो बन गया फिर दोबारा कार्बोनिक एनाइड्रेस ने काम किया वेटाइस तो को देन इसको अगेन कन्वर्ट कर देगा किसमेंगे ठीक है हालांकि जो मेरा विचार है जो मैं कहता हूं आपसे कि एसिड का डिसोसिएशन जो है उसको एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन यहां है बेटा, ठीक है ना तो एक्चुअली होता क्या है बेटा? मैंने कहा सीओ टू एच टू ओ एच टू सीओ थ्री ठीक है ये बना ठीक है क्लियर ठीक एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज

बापस से सीओ टू एच टू ओ बन जाता है और सीओ टू को जो है जो CO2, bicarbonate के ट्रैप होती है टिश्यू मतलब हाइड्रोजन आयन बनाया हाइड्रोजन को हीमोग्लोबिन ने पकड़ लिया बाई कार्बन आयन चला गया प्लाज्मा के अंदर वापस से उसको यहां पर लेके आए और दोबारा कन्वर्ट कर दिया सीओ टू में और एच टू में ठीक है क्लियर है ना ठीक है

क्लियर अब बात करते हैं क्लोराइड शिफ्ट की बड़ा इंपॉर्टेंट दिस इज दी एमसीक्यू ये एग्जाम का एक कॉमन एमसीक्यू है क्लोराइड शिफ्ट कब होता है कब देखा जाता है अब देखो मैंने सिंपल सा आपसे कहा था बेटा कि अब देखो मैं आपको सिंपल देखो पहले समझाया था उनके सिंपल सी बात मैंने कही थी आपसे कि बेटा जो है सेवेंटी परसेंट सी टू जो है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गई थी और उसमें हाइड्रोजन आयन बना बाई कार्बेट आयन बना बाई कार्बे आयन जो है वो यदि हम उसको हटाएंगे नहीं वहां से तो वापस से हाइड्रोजन आयन से जुड़ेगा वापस से एच और सीयू बना देगा तो उसको बनने के बाद एंटीपोर्ट सिस्टम उसको बाहर भेजा और नेगेटिव आयन एक बाहर भेजा गया तो बदले में एक नेगेटिव आयन अंदर चाहिए पड़ेगा ताकि चार्ज का बैलेंस बना रहे और वो नेगेटिव आयन जो अंदर आया वो था क्लोराइड आयन तो इसको हमने क्या बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोल दिया इसको हमने ठीक है ना

तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट एक तो है आपका एक तो आपका है तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा एक तो आपका है ये हा ठीक एक तो आपका हो गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर भूलना नहीं कभी इसको बता रहा हूं ठीक है ठीक है इसका राइट और लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है बिल्कुल नहीं भूलना है ये एग्जाम के कॉमन क्वेश्चन है के। फिर आपको भूल नहीं भूलना है बेटा बोहर इफेक्ट ये आपको नहीं भूलना है आपको हेमबर्गर फिनोमिना हैमबर्गर फिनोमिना राइट शिफ्ट जो है वो आपको नहीं भूलना है और एक और है वो है हेल्डाने इफेक्ट बिल्कुल बोहर इफेक्ट का अपोजिट है के हेल्डाने इफेक्ट के हेल्डाने इफेक्ट क्या है ये बोहर इफेक्ट का अपोजिट अपोजिट के वो कहता है कि जब जब भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगा हाई पार्सल प्रेशर में और वो से जुड़ेगा तो वो CO2 की को के लिए कम कर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से जुड़ता है तो हीमोग्लोबिन की सीओ टू के बंधुता एकदम कम हो जाती है खत्म हो जाती है कम हो जाती है रिड्यूस होती है काफी कम हो जाती है ठीक है मतलब यह है कि डिऑक्सीजेशन ऑफ द ब्लड Its to carry के जब ब्लड से आप ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं तो ऐसा डी ऑक्सीडेडेड ब्लड जो होता है वो सीओ टू को अट्रैक्ट करता है सीओ टू को अपने पास जोड़ लेता है ठीक और इसी प्रकार इसका अपोजिट जब ऑक्सीडेड ब्लड होगा यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो सीओ टू से हिमोग्लोबिन नहीं जुड़ेगा बल्कि ऑक्सीजन को वो प्रेफर करेगा हेल्डाना इफेक्ट है ठीक है अब बोहर इफेक्ट क्या है बोहर इफेक्ट बात देखो बेटा फर्क कितना है हेल्डाने इफेक्ट इज टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन हेल्डाने इफेक्ट ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है बोहर इफेक्ट सीओ टू के बारे में बात कर रहा है बोहर इफेक्ट क्या कहता है कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर टू रि आपसे कि इफेक्ट ऑफ सीओ टू तो क्या बोल रहा है वो खराब से कि जितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जुड़ेगा उतना अधिक कार्बोनिक एसिड बनेगा जितना अधिक कार्बोनिक एसिड बनेगा पीएच उतना लो होगा उतना एसिडिक मीडियम होगा और एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट right की ओर शिफ्ट हो जाएगा मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता कम हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ CO2 क्या बोल रहा है बोहर बोल रहा है कि जब सीओ टू प्रेजेंट रहेगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता कम हो जाएगी और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और हेल्डाने बोल रहा है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो वहां पर हीमोग्लोबिन सीओ टू को प्रेफर नहीं करेगा दोनों अलग अलग जगह की बात हैं एक टिश्यू के, के पास की बात कर रहा है एक एलब्लाई के पास की बात कर रहा है ठीक है क्लियर तो याद। अब हम ऐसे समझते हैं कि दोनों बातें अलग-अलग हो एक बोहर इफेक्ट टिश्यू के पास बात कर रहा है हेल्डन इफेक्ट एलबीलाई के पास बात कर रहा है दोनों का जगह पोजीशन अलग-अलग के अरे भाई मैं आपसे क्या कहता हूं मैं आपसे कहता हूं कि भाई देखो मैं आपसे क्या बोलता हूं मैं इतनी सी बात बात है कि मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात एक छोटा सा मैं दिखाता हूं तो, आ हां कितना लिखा है आपको 9 दिखेगा ये आपको नाइन दिखेगा ठीक है ये कैमरा है तो अपोजिट नाइन, नाइन दिखेगा मेरे को दिखेगा बात वही है जो लिखा है वही लिखा है जो लिखा है वही लिखा है देखो है ना six, मतलब ये है कहानी वही है लेकिन जो है बातें वही है लेकिन दोनों का कहने का अंदाज अंदाजा कि एक बोल रहा है कि ये छे, एक बोल रहा है नो है दोनों जबकि वो केवल लोकेशन का फर्क है पोजीशन का फर्क है

देख रहे हैं आप इफेक्ट देखिए की प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है देख रहे हैं आप कि ये हीमोग्लोबिन ने बेटा है ना देखो यहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आया था छोड़ दिया उसने हाइड्रोजन जोड़ दिया उसने ये छोड़ के अंदर चला गया है, है ना ये बोहर इफेक्ट हेल्डा ने क्या बोल रहा है कि ये जो आ, जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है वो सियोटू को बाहर उसके उस CO2 को अपने साथ नहीं जोड़ेगा बल्कि वो अपने आप साथ जुड़ेगा किसको ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ेगा वो, के? CO2 को बाहर निकलने है, वो जो CO2 है वो उससे नहीं जुड़ पाएगी उसे वो बाहर रिलीज कर देगा ठीक है क्लियर ये हेल्डाने इफेक्ट है क्लियर ठीक है तो चलिए तो कुछ बातें दिमाग रखते हैं मैंने कहा आपसे कि बोहर इफेक्ट कहता है कि इनक्रीज सियो टू and increase in hydrogen concentration causes more release of oxygen from hemoglobin.

बाहर निकल जाएगा तो ही, तो ही ही वो CO2 से जुडेगा मतलब जब तक प्रेजेंट रहेगा हीमोग्लोबिन के पास में तब तक उसकी ऑक्सीजनोबिनोबिन से बंधुता तो जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालोगे तभी वो जो है हीमोग्लोबिन की हाइड्रोजन आयन से और सियोटू से जुड़ने की बंधुता बढ़ेगी वो अदरवाइज कम रहेगी वो ठीक है ठीक है क्लियर तो क्या बोल रहा है आपसे वो कह रहा है आपसे कि देखिए हम सिंपल सी बात है कि हमने आपसे कहा कि जो पी, ये PCO2 का पार्शियल प्रेशर है CO2 का ये है CO2 इन ब्लड की बात करें हम तो क्या बोल रहे हैं हम देख रहे हैं हैं पे कि कि यदि जब आप क्या देख रहे कि जहां पर जहां पर देखो ध्यान से जहां पर जहां पर ध्यान से बात सुनो जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हंड्रेड एम एम एच जी है एलवे के पास में ठीक है वहां पर सीओ देखो आप सीओ जो है ऑलमोस्ट जो है वो सीओ बहुत कम सीओ

आज हम इतना ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन कैसे होता है कि कौन सी बीमारियां जुड़ी होती हैं इससे के तो अभी देखो हमने देखो मैंने पहले भी कहा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में पढ़ते हैं तो मेन मैकेनिज्म जो है पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं एज पर एनसेट की हंड्रेड परसेंट देख चुके हैं बिटवीन द लाइन्स ऑफ एनसेट देख चुके हैं लेकिन यदि आप डिटेल में रेस्पेरेट सिस्टम में जाएंगे तो और भी चीजें हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसमें उनको हमें डिस्कस अभी नहीं करना है हमें जो मैंने कहा ना जो नीट का सिलेबस है जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा एनसीआर टी सो परसेंट देखा हमने बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीआर कई चीजों को देखा हमने यहाँ पे ठीक है ना क्लियर और हमें एक भी चीज बेटा भूलना नहीं यहाँ पे तो क्या करना आपको आपको सारे वॉल्यूम सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आपको याद रहना चाहिए ठीक है सारे के सारे जो आपको ऑक्सीजन कर्व कैसा होता है कब राइट right शिफ्ट करेगा कब लेफ्ट शिफ्ट करेगा वो ठीक है इफेक्ट या शिफ्ट क्या होता है ठीक है फिर हेल्डाने इफेक्ट क्या होता है बोहर इफेक्ट क्या होता है ये सब दिमाग में होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में पहले आपसे ये इफेक्ट पूछूंगा कुछ चीजें पूछूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है ना तो पढ़ते रहिए बेटा मेहनत करते है ऑल दी बेस्टमेफे बायोमेंटल join us at www.biomentors.online here you can solve daily practice papers an online test you can download performance enhancement sheets you can track your progress you can interact with other fellow commandos join us and prepare yourself it's a commando training for your success download biomentors online app from Google Play Store.